आपका ये तिरंगा लेकर क्या मैंने उद्देश्य है? कितने भी शहीद हुए हम उनके घर पर जाके फ्लैग लगा के आते हैं। आप घर पर जाके क्या संदेश देना चाह रही हैं? कि जितने भी शहीद हैं उनका अपमान ना करें, और मैं और कुछ लोग हैं जो सैनिकों को गाली देते हैं, तो मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं ना करें, क्योंकि अगर वो बॉर्डर पर खड़े हैं तभी हम यहाँ पर स्टैंड नहीं छो पा रहे। अच्छा, आप कितने राज्यों में होकर आए हो? हम 6 राज्यों में होकर आए हैं। अब कितने घरों में पहुँची हो आप तिरंगा लेके? 390 घरों में तक जा चुके हैं। अभी तिरंगा लेके आपको कितने सम्मानित किया है? हमें योगी आदित्यनाथ जी ने, केजरीवाल जी ने, और कई सारे पुजारी भी हैं जी, और गुरुद्वारे में भी हमारा सम्मान हुआ था, और मंत्री हमें बुलाते रहते हैं। आपको ये तिरंगा लेके कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, हमारे देश के लिए वो लोग अपनी जान गवा रहते हैं, पर कुछ लोग हैं जो ये बात नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि वो ऐसे काम किए होंगे जब मर गए, तो ऐसा ना बोले। हमें सबसे ज़्यादा तो कैसे लोगों को देखा होता है। अच्छा, ये यात्रा अभी कब तक जारी रहेगी? अब जब तक कर सकते हैं तब तक करेंगे। वैसे तो 11,000 के घर पर जाना है, कई लोग ही घर जाना है, पर जब तक कर सकेंगे तब तक करेंगे। तो आपका मैन उद्देश्य पूरे भारत का भ्रमण करना, घर घर जाके शहीदों को श्रद्धांजलि देना। हाँ, आपके साथ कौन कौन चलता है साथ में? हाँ, मेरे फादर हैं, और मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि वो अगर मैंने उनसे बोला पहली बार ही, तो उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं कहा, बोला कि अगर आपको देश के लिए कुछ करना है तो हम आपका साथ पूरी तरीके से देंगे। आप बड़ी होकर क्या करना चाहती हैं? मैं आर्मी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे उन घायलों की सेवा करनी है जो अपने लड़ते लड़ते घायल हो जाते हैं। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।